यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्थ नंबर पर 2925061 टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि TCS को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है टेक्निकली। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। ये ऑफिशियल नोटिस है, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं SSC की वेबसाइट से आके। इसके अंदर पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले क्या था कि आपका TCS ही तीनों काम कर रहा था, आपका क्वेश्चन बैंक यानी कि क्वेश्चन क्रिएशन यही कर रहा था, आपके एग्जामिनेशन का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको भी यही हैंडल कर रहा था, आपके एग्जाम सेंटर का भी जो जो इनके सेंटर्स थे ना वहीं पर इनका एग्जामिनेशन हो रहा था, यानी कि तीनों चारों जो काम होते थे वो सारा का सारा TCS ही कर रहा था। लेकिन अभी क्या किया है, SSC ने नया रूल लेकर आया है जिसके अंदर क्वेश्चन बैंक के लिए दूसरा कोई कंपनी होगी, आपके सॉफ्टवेयर हैंडलिंग के लिए दूसरी कोई कंपनी होने वाली है, आपके सेंटर्स के लिए दूसरी कोई कंपनी होने वाली है, यानी कि तीन तीन कंपनियों को यह इस बार टेंडर दिया जाएगा। वेंडर जो चेंज हो रहा है ना उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड की गई थी जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स, यानी कि ये जो आपके फॉर्म भरे जाते हैं, है ना, आपका फोटो अपलोड होता है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो SSC खुद ही हैंडल करने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक के लिए आपका यहाँ पर जो है कॉन्टेंट क्रिएशन वो आपका दूसरी कंपनी करेगी जिसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर हैंडलिंग का काम होता है। अब ये देखिए, ये ऑफिशियल, इस ये बिल्कुल ऑफिशियल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ पर सारे की सारी जितनी भी बिडिंग होती है, जितने भी आपके टेंडर्स होते हैं, सारे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला आपका यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर एग्जाम मॉनिटरिंग यूनिट, यानी कि EMU के लिए अलग एक कंपनी आनी चाहिए। फिर आपका डिस्पोजल ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड्स, उसके लिए एक दूसरा टेंडर है, दूसरी कंपनी के लिए जाएगा। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन बैंक के लिए जो है वो तीसरी कंपनी यहाँ पर आने वाली है। फिर आपका CVT कंडक्ट करवाने के लिए तीसरी कंपनी, ये ऑफिशियल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए छोटा सा अपडेट है, ये टेस्ट बुक की तरफ से अभी आपकी एक ऑफर चल रही है जो कि आपकी महाशिवरात्रि की है, 8 तारीख से 10 तारीख तक नमो उत्सव ऑफर। इसके अंदर आपको ईयरली पास आपको 219 रुपये का मिलेगा और आपको पास प्रो यहाँ पर 307 रुपये का मिलेगा। अगर आप मेरा कोड ABHI180 यूज करते हो ना तो आपको एक्स्ट्रा 12% का ऑफ मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहां पर ये टेस्ट सीरीज रिकमेंड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से आपको आपके एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, रैंक, एनालिसिस स्पीड इंक्रीज होती है, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का आप लोगों को आइडिया पता लग जाता है, ठीक है। तो आज से ही टेस्ट सीरीज को लगाते हैं, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों को यहाँ पर पास प्रो लेना चाहिए, क्योंकि पास प्रो के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसमें आपका PYQs मिल जाएंगे आप लोगों को, यहाँ पर चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। वीक एंड स्ट्रॉन्ग सेक्शन आपको पता लगेंगे, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट एनालिसिस आफ्टर एवरी टेस्ट, तो आपका जो सिलेक्शन रेट है ना वो 50% से इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से आपकी मॉक्स के साथ में प्रिपरेशन भी एकदम पक्की हो जाती है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। एक प्लस पॉइंट और है यहाँ पर, आपको इस एक पास के अंदर सारे के सारे एग्जामिनेशन का एक्सेस मिल जाता है। 70,000+ मॉक टेस्ट यहाँ पर, 700+ एग्जाम्स के पड़े हुए हैं, 20,00,000+ एक्टिव टेस्ट बुक पास यूजर्स हैं, ठीक है, 12 लैंग्वेज में आपको यहाँ पर मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कम प्राइस में मिल रही है। मेरा कूपन कोड यूज कर लेना बेस्ट टाइम में अभी परचेज करने के लिए। अब बात कर लेते हैं टेंडर्स के लिए। तो टेंडर के लिए आपका जो होता है ना यहाँ पर, वो आपका दो स्टेजेस में होता है। प्रोसेस वन के अंदर आपका टेक्निकल बिड ओपनिंग होती है, फिर आपका फाइनेंशियल एवेल्यूएशन होता है और फाइनेंशियल बिड ओपनिंग होती है। तो यहाँ पर अभी टेक्निकल बिड अपनी टेक्निकल इवेल्यूशन का स्टेटस यहाँ पर अभी आपका ग्रीन टिक आ रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी कंपनीज को यहाँ पर टेक्निकली यहाँ पर जो है आपका प्रोसेस कर दिया गया है। ये देखिए, ये भी ऑफिशियल है। इसके अंदर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर हैंडलिंग के लिए किस कंपनी को यहाँ पर टेक्निकली एक्सेप्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, ये है एक कंपनी क्यूबेशन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसको देखिए टेक्निकली एक्सेप्ट कर दिया गया। इसका स्टेज टू अभी बचा हुआ है, तो कोई भी चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई है भाई, है ना, तो अभी टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई भी कंपनी आती है, तो आपको बताया कि TCS पिछले 5 सालों से एग्जामिनेशन को करा रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा रहा है, चाहे आपका एग्जाम की बात कर लें, आपके क्वेश्चन की बात कर लें, या फिर आपके सॉफ्टवेयर की बात कर लें, या सेंटर्स की बात कर लें, कोई पेपर लीक वगैरह तो कभी हुआ ही नहीं है, है ना। तो कोई भी नई कंपनी आएगी तो वो क्या करेगी, पहले ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेगी कि SSC के अंदर कौन सी कंपनी अभी एग्जाम को करवा रही थी। सबसे मेन पॉइंट है कि आपकी क्वेश्चन बैंक कौन सी कंपनी को मिलता है, यानी क्वेश्चन क्रिएशन कौन करता है, तो वही इंपैक्ट सबसे ज्यादा डालता है, क्योंकि हमें एग्जाम सॉफ्टवेयर से कोई वो नहीं होता है, हालांकि होता है, इतना ज्यादा नहीं होता है कि सारी की सारी जो कंपनीज है वो अपना बेस्ट देती है ना। देखिए, अगर ये है आपका जो आपका यहाँ पर सेंटर्स के लिए, यानी कि CVT जो आपको कंडक्ट करवाने वाली कंपनी है ना, उसके लिए दो कंपनीज को यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है। एक आपका यहाँ पर TCS वाला है और एक है आपका यहाँ पर एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज, जिसके अंदर टेक्निकली आपको इसको एक्सेप्ट किया गया, बाकी इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक कंपनी जो है जिसको CVT कराने का टेंडर दे दिया जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि TCS को ही दिया जाएगा, 90% 99% चांसेस ऐसे हैं, क्योंकि अभी तक इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है काफ़ी अच्छा रहा है।
अब बात करते हैं कि क्वेश्चन बैंक के लिए कौन सी कंपनीज को यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है। देखिए भाई, ये है क्वेश्चन बैंक के लिए, क्वेश्चन बैंक क्रिएशन के लिए बहुत सारी कंपनीज ने यहाँ पर लगाया था, तो उनमें से कौन सी कंपनीज को यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है। तो एक तो ये है, एक्सेप्ट टेक्निकली एक्सेप्ट कर लिया गया है, एक इसको टेक्निकली एक्सेप्ट किया गया है, एक इसको टेक्निकली एक्सेप्ट किया गया है। इसमें आपकी मेटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड आ रही है, और आपकी इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड आ रही है, और एक है आपकी CNK मैनेजमेंट लिमिटेड। इन तीन कंपनीज को यहाँ पर टेक्निकली यहाँ पर अभी एक्सेप्ट किया गया है, अभी आपका दूसरा वाला स्टेज बाकी है ना। तो ऐसा चांसेस लग रहे हैं कि CNK मैनेजमेंट लिमिटेड को मिल जाए। तो मैंने आपको देखो CBT के लिए बता दिया, क्वेश्चन बैंक के लिए यहाँ पर ये हो गया, आपका सॉफ्टवेयर के लिए मैंने आपको बता दिया। तो अभी इनकी पहली पहली स्टेज यहाँ पर कंप्लीट हुई है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि TCS को जो आपका एग्जाम कराने का जो टेंडर है ना, वो मिल सकता है, ये मैंने आप लोग को बता दिया। आशा करते हैं कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि अगर नई कोई कंपनी आती है तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन लेके आने वाली है। SSC ने अपना सिलेबस तो चेंज बिल्कुल किया ही नहीं है, SSC का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम रहा है ना, वही सारे चैप्टर्स हैं, वही सारे आपके क्वेश्चन के टाइप होने वाले हैं। थोड़ा सा कोई क्रिएटिविटी दिखा सकता है, क्वेश्चन का थोड़ा लेवल अप डाउन तो होता ही रहता है। तो आप ये समझें कि PYQ बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नहीं भाई बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। कि आपका जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर है रीजनिंग के अंदर अंदर कोई चैप्टर है, मान लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट है, तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा से क्या करेगा वो, थोड़ा सा लेवल ऊपर कर देगा है ना। मान लीजिए मैथ्स के अंदर कोई चैप्टर है, तो उसके अंदर थोड़ा सा आपका क्वेश्चन का जो टाइप है वो बदल सकता है, कैलकुलेशन कभी नहीं बदलती है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आप लोगों को तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, बहुत सारी एग्जामिनेशन आपकी अपकमिंग है, सभी एग्जाम्स की आप लोगों को तैयारी करनी है। टेस्ट बुक का पास ले लेना, पास प्रो लेना, ठीक है, ये आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी यहाँ पर। सारी जो नए नए अपडेट्स आएंगे ना, वो भी आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, मेरे कोड को जरूर लगा लेना, यहाँ से आपको 12% का ऑफ मिल जाएगा। मेरे पास आज मॉर्निंग में आया था कि कोड आप लोगों का काम नहीं कर रहा है कोड से, तो कोड आपका काम कर रहा है, आपको 12% का ऑफ मिल रहा है, तो वहाँ से आके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।